राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह गरीब था, ज़मीन तो उसके पास बस नाम मात्र को थी। वह कुछ अपनी और कुछ गांव वालों की भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। उसका नाम मक्खन सिंह था। यूं तो उसका नाम मक्खन था और उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी। लोग उसे मखाई कहते थे और इसी नाम से पुकारते थे, किंतु नाम तो उसके माँ बाप भी उसका भूल चुके थे। याद था तो बस मखाई। मखाई जब 20-21 साल का हुआ तो घर वालों ने उसका गौना कर दिया था। फूल सी सुंदर सी सांवली सलोनी कलावती को पाकर मक्खन निहाल हो गया था। कलावती बहुत ही संस्कारी और सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। वह मक्खन को हर तरह से खुश रखती थी। मक्खन भी कलावती का दीवाना था। गौने की कोई 20-25 दिन बाद कलावती का भाई उसे विदा कराने मायके लेकर जा रहा था। कलावती के जाने के बाद मक्खन अब बहुत उदास रहने लगा था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। कभी कभी बकरियों को बेवजह पीटना, कभी कभी भेड़ों को लात मारना, गाली देना उसका स्वभाव बन गया था। आखिर एक दिन मक्खन के पिता ने उससे कहा, मखाई बहू को जाकर घने दिन हो गए ले आ, बहू आ जाएगी। मखाई को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। वह सवेरे जल्दी ही तैयार होकर चल दिया अपनी ससुराल। उस समय लोग अधिकतर पैदल ही यात्रा करते थे। मक्खन भी पैदल ही दोपहर तक अपनी ससुराल पहुंच गया। वह बिना रुके बिना थके बहुत तेज तेज चलकर अपनी ससुराल आया था। अगले दिन सुबह जल्दी ही वह पैदल ही कलावती को साथ लेकर अपने ससुराल से अपने घर लौटने लगा। कलावती बहुत धीरे धीरे चल रही थी तो मक्खन ने उससे पूछा, थक गई हो क्या, कहीं बैठकर आराम कर ले छांव में। लेकिन कलावती बार बार एक ही जवाब देती, नहीं, और चलते रहते। चलते चलते दोपहर हो गई थी। रास्ते में इक्का दुक्का बबूल समी और झरबेरी को छोड़कर कोई पेड़ भी नहीं थे। रास्ते की रेत भी सूरज की गर्मी की तरह भाड़ सी रेत गर्म हो गई थी और दहक रही थी। मक्खन अब थोड़ा आगे हो गया था और कलावती और मक्खन के बीच का फैसला कुछ बढ़ गया था। आगे सड़क के नीचे गहरी घाटी थी, उसमें उतरकर फिर ऊपर चढ़ती थी। यह खेतों के पानी को जो नदी में डालने के लिए बनाया गया एक चौड़ा नाला था। मक्खन जब नाला पार करके ऊपर चढ़ गया तो थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ था जो नाले के किनारे ही था। मक्खन उसके नीचे सुस्ताने लगा। वह काफ़ी देर तक खड़ा रहा लेकिन कलावती नहीं आई। मक्खन ने सोचा, कहीं वह कहीं दिशा मैदान के लिए तो नहीं गई होगी। वह अपना हुक्का सुलगाकर गुड़गुड़ाने लगा। मक्खन के हुक्का की चिलम दो बार ठंडी हो गई लेकिन कलावती ऊपर नहीं आई तो मक्खन उसे पुकारने लगा, अरे ओ कलावती, अरे कलावती कहाँ रुक गई है, घनी देर लग रही है, जल्दी आ जा, बहुत दूर जाना है। किंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर तक मक्खन कलावती को पुकारता रहा लेकिन कलावती नहीं आई। फिर मक्खन नाले में उतरकर दूर तक देख भी आया किंतु उसे कलावती कहीं नहीं मिली। अब मक्खन ने कलावती को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने नाले के अंदर भी दोनों तरफ दूर दूर तक देख लिया और बहुत आवाज़ें लगाईं, बहुत पुकारा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हार कर मक्खन वह वापस ससुराल के एकदम पास तक दौड़ता हुआ गया और फिर उसी जगह लौट आया। मक्खन को समझ नहीं आ रहा था, आखिर कलावती गई तो कहाँ गई। दिन ढलने लगा था। मक्खन बहुत उदास और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह घर क्या बताएगा। लेकिन फिर भी वह थककर घर लौट आया और कह दिया कि जब उसके माता पिता ने पूछा कि बहू को नहीं लाया
तो मक्खन ने कह दिया उन्होंने भेजा ही नहीं, कह दिया अगले महीने भेजेंगे। मक्खन ने घर में तो झूठ बोल दिया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर मक्खन ने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठा की और निकल पड़ा उसी नाले की तरफ। भेड़ बकरियों को छोड़कर वह फिर कलावती को खोजने लगा। दिन भर भूख प्यास भूलकर वह कलावती कलावती पुकारता रहा, किंतु उसे कोई सुराग नहीं मिला और निराश होकर घर लौट आया। अब तो मक्खन रोज सुबह घर से निकलता, नाले में कलावती कलावती पुकारता और रोते हुए घर लौट आता। आज मक्खन को पांचवा दिन था, वो रो रहा था और कलावती को पुकार रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? एक बूढ़ा सा चरवाहा उसे पुकार रहा था। तो मक्खन ने धीरे से कहा कि नहीं। तो वह बोला, देख मुझे सच बता दे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। तो मक्खन कहने लगा, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता काका साहब। मक्खन रोने लगा और बोला, तो उस बूढ़े ने पूछा क्या हो गया, बता तो सही बेटा मुझे। तो मक्खन ने रोते हुए उस बूढ़े काका को कलावती वाली सारी बात बता दी कि कैसे उसकी पत्नी गायब हो गई है। तो वह बूढ़ा काका बोला, भाई मैं तो तेरी मदद भूत राजा ही इसमें कर सकते हैं, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। भूत राजा? मक्खन को कुछ समझ नहीं आया कि भूत राजा मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। तो वह बूढ़ा बोला, हाँ भूत राजा, उनका दरबार लगता है पूर्णमासी की रात में, और एक दफ़े जो है ना, वो बूढ़ा कहने लगा, हमारी भैंस गायब हो गई थी तो मैंने उनके दरबार में ही गुहार लगाई थी और अगले दिन हमारी भैंस मिल गई थी। तो मक्खन बोला, काका दो दिन बाद ही पूर्णमासी है। तो वह बूढ़ा बोला, हाँ देख लो, दो दिन बाद तू शाम को इस नीम के पेड़ के पीछे छिप कर बैठना, नीचे से तुझे कोई देख नहीं पाए, और दरबार की सारी कार्यवाही देखते रहना। जब भूत राजा अपनी गद्दी पर बैठ जाएं और फरियाद सुनने लगें, तब पेड़ से कूद जाना सीधा उनके सामने, लेकिन डरना मत, और जब वे पूछें तो उन्हें अपनी पत्नी के गायब होने का सारा किस्सा बता देना। अब आराम से बेटा घर जा और आराम कर, और चिंता मत कर, भूत राजा तेरी पत्नी को दिला देंगे। मक्खन अब घर आ गया और पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। दो दिन बाद पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात के लिए खुद को तैयार करने लगा। पूर्णमासी की शाम को ही मक्खन नीम के पेड़ में के पीछे जाकर छिप कर बैठ गया। रात के दूसरे पहर उसे नीचे नाले में कुछ हलचल दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े पहने कुछ लोग नीचे रेत पर मशक से पानी का छिड़काव दूर दूर तक कर रहे थे। फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर सफ़ेद चादरें बिछाईं और बीच में गद्दे बिछाकर उस पर एक गुदुम्ब तकिए लगाकर एक ओर खड़े हो गए। उसके बाद कुछ डरावने चेहरे वाले लोग आकर वहाँ खड़े हो गए। कुछ की तो केवल हड्डी ही दिखाई दे रही थी, कुछ ने लंबे लंबे दांत बाहर निकाले हुए थे। मक्खन उन्हें देखकर डर से कांप रहा था। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, वातावरण में अद्भुत सी सुगंध फैल गई। मक्खन चौकन्ना हो गया और सांस रोके सब देखने लगा। एक लंबे चौड़े रौबदार से व्यक्ति ने, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने सफ़ेदी लिबास पहना हुआ था, वह गद्दी पर आकर बैठ गया और बाकी सारे लोग उसके दामन को चूमकर खड़े हो गए। तब उसने गंभीर आवाज में कहा, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ और दरबार शुरू करो। भूत राजा की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। तभी दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, कहकर मक्खन ने ऊपर से छलांग लगा दी और अपनी हड्डियों के टूटने की भी चिंता किए बिना मक्खन भूत राजा के पैरों में गिर गया। तभी बोले सब एकदम से कि कौन है, कौन है, कहाँ से आया है, मारो भगाओ इसे। सारे भूत एक साथ चिल्लाने लगे, ये कौन आ गया। तभी भूत राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, रुको, बताओ क्या बात है, यहाँ कैसे आए हो। उसने जो मक्खन से बड़े प्रेम से भूत राजा ने पूछा, तब मक्खन कहने लगा, महाराज मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से जा रहा था,
एक हफ्ते पहले ससुराल से विदा करा कर लाया था, मगर मेरी पत्नी इधर आकर गायब हो गई। उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या करूं महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। अब तो कोई रास्ता तुम ही बताओ। तुमसे ही मैं घनी उम्मीद लेकर आया हूं। तुम ही माई बाप हो, आपके हुक्म के दरबार से कोई निराश नहीं जाता। हे महाराज, आपके दरबार में जो भी आता है आप उसकी सभी परेशानी दूर करते हैं, मैंने यह बहुत सुना है। भूत राजा ने सबकी ओर गुस्से से देखा। सारे भूत सहम गए। भूत राजा ने कहा, किसकी हरकत है ये, किसने गायब करी है इसकी औरत? उन्होंने सभी भूतों की ओर देखा। ध्यान से देखो, आज दरबार में कौन नहीं आया है? तभी एक भूत ने धीरे से कहा, महाराज बिगाड़ा नहीं आया है। तभी भूत राजा ने कहा, जाओ चार लोग पकड़कर लाओ उसे जल्दी, आराम से बैठो तुम फरियादी। भूत राजा ने मक्खन से कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाएगी। भूत राजा ने मक्खन से बड़े प्यार से कहा, कुछ सच बता दें, बिगाड़ा तू? जब सब लोग उसे बुला कर लाए और भूत राजा ने उससे कहा, सच सच बता दे बिगाड़ा, तू पहले भी लोगों का सामान चोरी कर चुका है, बता कहाँ रखा है उसे, नहीं तो? तभी वह बिगाड़ा कहने लगा, महाराज सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बिगाड़ा ने जो बहुत ही मासूम सी आवाज़ में बोला। तभी भूत राजा और भूतों से बोला, जाओ दो लोग जाकर इसके घर की तलाशी लो। भूत राजा ने बुदबुदाते हुए कहा और बिगाड़ा पर फूंक मार दिया। तो वह बोला, नहीं नहीं महाराज, बताता हूँ महाराज, मुझे ऐसे मत जलाओ मुझे। और बिगाड़ा जो भूत था वह तड़प कर बोला। वह बोला, महाराज मेरे घर में है। तब भूत राजा ने बोला, क्यों लाया था उसे? तब बिगाड़ा भूत कहने लगा, महाराज बहुत सुंदर लग रही थी, दिल आ गया मेरा उस पर, और उसने जो खुशबू लगा रखी थी उसने तो मुझे बावला कर दिया। वो खुशबू मुझे इतनी पसंद आई, इसीलिए मैं उसे उठा ले गया। तब भूत राजा ने कड़क कर पूछा, कुछ किया तो नहीं उसके साथ? तब बिगाड़ा बोला, नहीं महाराज अभी तो नहीं। तब बिगाड़ा ने जो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। तब भूत राजा ने कहा, खबरदार, अगर उसे गलत नीयत से छुआ भी तो इज्जत के साथ वापस कर उसे, नहीं तो। भूत राजा ने हाथ उठाकर कोई मंत्र पढ़ते हुए कहा। तब बिगाड़ा बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं वापस कर दूंगा, कल ही उसी समय ये आ जाएं, इसकी पत्नी वहीं जो नाले के किनारे इसे मिल जाएगी। तो भूत राजा ने क्रोध में कहा, देख ले बिगाड़े, नहीं तो फिर तेरी खैर नहीं है। तो बिगाड़ा कहने लगा, नहीं महाराज, मैं उसे लौटा दूंगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। तब बिगाड़ा ने कहा, तो महाराज कहने लगा भूत राजा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, कल दोपहर में आना, मक्खन और तुम्हारी औरत तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ तुमने क्या देखा है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब भूल जाना और उससे कुछ मत पूछना, जाओ अब। अगले दिन मक्खन ने घर में जाकर कहा कि आज वह अपनी बीवी को लेने जा रहा है। दोपहर को नाले पर जाकर मक्खन खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जो कलावती धीरे धीरे चलती हुई आ गई, तो मक्खन कहने लगा, बहुत देर लगा दी कलावती, कब से तेरी बाट देख रहा था, कहाँ रुक गई थी? और मक्खन ने कहा और हंसने लगा। अब दोनों ही हंसी खुशी घर आ गए। मक्खन ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी ने कुछ पूछा और ना ही उसने कभी किसी को कुछ बताया। बहुत साल बीत गए। मक्खन ने एक दिन कलावती से पूछा कि मैं नाले में कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ रही थी? तो कलावती ने बताया कि एक बहुत बड़ा महल जैसा मकान था, नरम बिस्तर और एक भद्दा सा आदमी आता था, मुझे घूरता रहता था, कहता कुछ नहीं था, खाने को भी बहुत सारे फल लाता था, मुझे नहीं पता कौन लोग थे वो। तब मक्खन कहने लगा, मुझे पता है कलावती, कहकर मक्खन मुस्कुराया और कलावती को अपने सीने से लगा लिया। कलावती और मक्खन बाद में न जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरे
किंतु मक्खन ने भूल कर भी जाते समय कलावती को कोई भी खुशबू लगाने नहीं दी, कोई भी इत्र लगाने नहीं दिया कि कभी भी ससुराल आते जाते वही रास्ता पड़ता था, उसी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। लेकिन उसने अपनी पत्नी कलावती को कह दिया था कि कभी भी कोई महकदार खुशबूदार तेल इत्र नहीं लगाना है, और कलावती ने भी मक्खन की बात मान ली थी। अब दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, दोनों खुश थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।